नमस्कार। इस समय मैं नेचर क्लब गोंडा के प्रकृत आश्रम में हूं। इस फीमेल बंदर को कल हम यहां पर लेकर आए हैं। हम इसका पिछले एक हफ्ते से उपचार कर रहे थे। एक हफ्ते पहले हमको सूचना मिली कि गोंडा में भाराइच रोड पर एक बंदर जो है वो विकलांग अवस्था में सड़क के किनारे टहल रहा है। हर कोई इसे भगा रहा है, दुत्कार रहा है। इसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं पैराप्लीजिया। होता क्या है कि चूंकि हमारे शरीर में हमारे दिमाग से नर्व्स जो है वो निकलकर शरीर के हर हिस्से में जाती हैं, तो कमर के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर नर्व्स जो है वो दिमाग से निकलकर हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी स्पाइन है, उससे होते हुए हमारे निचले हिस्से तक आती है और यहां से फिर नर्व्स दो हिस्से में बंटकर हमारे पैर के नीचे तक आती है। तो कई बार जब हम ऊंचाई से गिरते हैं, हमको झटका लगता है, तो हमारे जो स्पाइन में नर्व्स जा रही हैं स्पाइन के साथ होकर, तो स्पाइन में चोट लगने से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और उससे दिमाग का जो सिग्नल है वो हमारे बाकी हिस्सों में नहीं पहुंच पाता और वो हिस्सा जो है वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो इसको हम लोग विकलांग होना भी कहते हैं। वही इस बंदर के साथ हुआ। ये शायद कहीं ऊंचाई से नीचे गिरी और उस कारण से इसके स्पाइन से जो नर्व्स नीचे की तरफ आ रही थी उसमें डैमेज हुआ और उसके कारण ये अब इसके कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा है, वो निष्क्रिय है। उसके निष्क्रिय होने के कारण ये चल फिर नहीं सकती है। उसके निष्क्रिय होने के कारण पैरों में मूवमेंट ना होने के कारण पैरों में पर्याप्त पोषण नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे जो नीचे का हिस्सा है वो सूखता चला जा रहा है। तो इस टर्म को जो है मेडिकल साइंस में पैराप्लीजिया कहते हैं और ये इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये जो संभावित कारण मुझे इसके लगा कि ये कहीं ऊंचाई से नीचे गिरी है। दूसरा इसका कारण जो है करंट लगना भी हो सकता है। इसका कारण कोई बीमारी भी हो सकती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में किसी तरह का कैंसर भी हो सकता है, कोई सिस्ट भी हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिसीज भी हो सकती है, किसी तरह का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो अधिकतर जानवर जो हमें मिलते हैं अक्सर वो इसी समस्या से ग्रसित मिलते हैं। अक्सर गाड़ी ने गाय को ठोक दिया, ट्रेन ने गाय को ठोक दिया, वो भी उसका नीचे का हिस्सा जो है उसने काम करना बंद कर दिया। कुत्तों में भी अक्सर ऐसे केसेस मिलते रहते हैं, बंदरों में भी ऐसा केस कभी कभी मिल जाता है। तो ये काफी कॉमन केस है। अब इसमें हम पिछले 5 दिनों से जहां पर ये बंदर थी वहीं पर कुछ लोगों को घर पर रखकर इसका उपचार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग आजकल बड़े स्वार्थी हो गए हैं, लोग आजकल बड़े मतलबी हो गए हैं। वो किसी भी ऐसे पशु की मदद नहीं करना चाहते। तो हर कोई लगातार इससे चिढ़ रहा था, इसे धुतकार रहा था। हर कोई हमें रोज फोन करके कह रहा था इसको ले जाइए, कहीं फेंक दीजिए, इसको मार दीजिए, लेकिन हमारे घर पे मत रखिए। तो मजबूरन हमें प्रकृत आश्रम पे लाना पड़ा। ये आश्रम हालांकि हमने इसीलिए बनाया था कि ऐसे जो जानवर हैं जो चल फिर नहीं सकते, जिनको पूरी तरह से हमारे मदद की आवश्यकता है, उनको हम यहां पर लेकर आएंगे। पर चूंकि शहर से ये 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, 24 घंटे यहां पर कोई रहता नहीं है, इसलिए हम यहां पर जानवरों को नहीं लाते थे। पर चूंकि ये वहां रहती तो इसकी और दुर्दशा हो जाती, तो फिलहाल हम इसे यहां पर लेकर आए हैं। सुबह हम रोज यहां बगल में गौवंश केंद्र पर करीब 40-50 गौवंश को खिलाने आते ही हैं, तो हम यहां पर सुबह 3 घंटे का तो इसको समय दे ही सकते हैं। तो फिलहाल कल हमने यहां पर रखा है, हमने इसके लिए यहां पर चने की केले की व्यवस्था की है। यहां पर ये शेड है, यहां से निकलकर ये बाहर घास में भी चली जाती है, दिन में बारिश होती है तो अंदर आ जाती है। तो फिलहाल अभी ये सुरक्षित अवस्था में है, हम इसको आवश्यक दवाइयां भी दे रहे हैं। ऐसे मामलों में अक्सर चूंकि न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं, तो न्यूरॉन्स के रिकवरी के लिए विटामिन B12 जो हमारे नर्वस सिस्टम को काफी हेल्प करता है वो रेगुलर दिया जाना चाहिए। इंजेक्टेबल फॉर्म में रहेगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से असर करेगा। इसके अलावा इसको कैल्शियम और दूसरे दवाइयां भी जो हम लगातार दे रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार थोड़ा सा इसकी मदद करें और किसी तरीके से ये वापस इसके पिछले पैरों में जान आए और ये वापस खड़ी हो पाए। तो इस तरीके का अभियान लगातार पिछले 13 सालों से गोंडा में हम लोग चला रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप गोंडा में हैं तो नेचर क्लब गोंडा से जुड़े। अगर आप गोंडा में नहीं है तो भी आप नेचर क्लब गोंडा के फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से या यूट्यूब पर जो हमारा नेचर क्लब फाउंडेशन के नाम से चैनल है उससे जुड़े। आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं आर्थिक तरीके से। इस UPI ID पर आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। ये जो सारे कार्य हम लोग करते हैं पर्यावरण, प्रकृति और पशु पक्षियों को बचाने के लिए,
इसके लिए हम कहीं से कोई मदद नहीं लेते हैं, कोई सरकारी मदद या किसी एजेंसी से कोई मदद नहीं लेते हैं। हम बस अपने दोस्तों से या अपने सहयोगियों से थोड़ा बहुत राशि लेते हैं और थोड़ा बहुत सहयोग लेते हैं और सब लोग मिलकर इन तमाम कार्यों को करते हैं। तो इन तमाम कार्यों में आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। आशा है कि ये फीमेल बंदर जो है ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी तो इसको वापस हम जिस जगह से इसको लेकर आए हैं, जहां पर ये रहती आई है, वहां वापस ले जाकर हम इसको रिलीज कर देंगे। तो नेचर क्लब फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।